गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट इवीज क्लास में हम लोगों का चैप्टर 11 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, चैप्टर 11 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया था और आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 53 पे आज की डेट, डे एंड क्लास का मेंशन करो। आज की डेट, डे एंड क्लास वर्क। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है 3 times, ताकि आपको कोई डाउट्स नहीं रहे और जब भी हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें आप लोगों को उनके आंसर आने चाहिए। डू इट फास्ट। आज की डेट, डे एंड क्लास वर्क मेंशन करो जल्दी से। मेंशन कर लिए डेट, डे एंड क्लास वर्क। स्टार्ट करें। कम टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो जरा। थिंक एंड डू क्वेश्चन। कम टू द क्वेश्चन नंबर ए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज अ कम्युनिकेशन। व्हाट इज अ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन वी आर एक्सचेंज अवर आइडिया एंड थॉट वन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। जब हम हमारे सोच और हमारे विचारों का किसी अन्य व्यक्ति के साथ आदान प्रदान जो करते हैं उसे कहते हैं कम्युनिकेशन, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। आंसर नोट डाउन करो जरा फर्स्ट का। आंसर नोट डाउन करो फर्स्ट का। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स विथ अदर, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, रफ कॉपी में डायरेक्ट आंसर लिख दो। आंसर फर्स्ट, और आंसर फर्स्ट का आंसर लिखो, एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड थॉट, एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड थॉट विथ अदर्स, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कंप्लीट नोट डाउन हो गया आप लोगों का फर्स्ट आंसर? मैं पेज टर्न कर रही हूँ। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वेयर यूज इन अ सर्टेन डे, यानी पुराने जमानों में कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस को हम लोग यूज में लिया करते थे? तो पुराने जमाने में या तो कोई व्यक्ति किसी का संदेश लेके जाता था या फिर कबूतर के जरिए एक जगह से दूसरे जगह संदेश पहुंचाए जाते थे। कैसे पहुंचाए जाते थे? या तो किसी व्यक्ति को भेजा जाता था, वो उस संदेश को लेके जिस पर्सन के पास हमें वो संदेश भेजना है उसके घर जाता था, या फिर कबूतर के जरिए संदेश भिजवाए जाते थे।
कबूतर के गले में जो लेटर हुआ करता था, लेटर को लिख के कबूतर के गले में बांध दिया करते थे, और देन आफ्टर वो कबूतर उस मैसेज को जिसके पास पहुंचाना होता था उसके पास जाता था और उसे मैसेज हैंडओवर करता था। आंसर नोट डाउन करो ज़रा। विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी आर यूज इन अ सर्टेन डेज, आंसर है आपका इन अ सर्टेन डेज पीपल यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू पीपल और पेंगुइन, सॉरी पिहेन, इन अ सर्टेन डेज पीपल यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू पीपल और पिजन हु एक्ट लाइक मैसेजर्स। पिजन यानी कबूतर। इन अ सर्टेन डेज पीपल यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू पीपल और पिजन हु एक्ट लाइक मैसेंजर। आंसर नोट डाउन हो गया आप लोगों का, आगे बढ़े। कम टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, देखो जरा थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आई होप आप लोगों ने आंसर लिख लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं पेस्ट डन कर रही हूँ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या पूछ रहा है, विच इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे तेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जिसके ज़रिए हम सबसे तेज़ एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते थे, बात कर सकते थे, वो कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का संसाधन था। तो जो टेलीफोन था वो सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, क्यों? क्योंकि उसके ज़रिए हम लोग इंस्टेंटली किसी जिससे हमें बात करनी होती थी उससे हम लोग बात कर सकते थे, इसलिए द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टेलीफोन को कहा गया है, क्योंकि हम उसके ज़रिए इंस्टेंटली टॉक कर सकते हैं जिससे हमें बात करनी होती थी। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा। विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आंसर है आपका द टेलीफोन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, the telephone is one of the fastest means of communication.
कंप्लीट। फर्स्ट से लेके मैं वापस से एक बार रिवाइज कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, स्क्रीन पे देखो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा स्क्रीन पे वापस। व्हाट इज अ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? तो फर्स्ट का आंसर था हमारा एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड थॉट विद अदर, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अपने थॉट्स और आइडियाज को एक्सचेंज करने को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी आर यूज इन अ सर्टेन डे, पुराने जमाने में कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए किस किन चीज़ों को यूज़ किया जाता था? तो आंसर था हमारा इन अ सर्टेन डेज पीपल यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू पीपल और पिजन हु एक्ट लाइक मैसेंजर। देन थर्ड क्वेश्चन था हमारा विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और आंसर था हमारा द टेलीफोन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन जो है वो हमारा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। गॉट इट? नाउ क्लास सेकेंड, आज की क्लास में ये तीन क्वेश्चन करेंगे आपके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। आपका आज का होमवर्क है, इन तीनों क्वेश्चन को आपको कॉपी में करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड, तीनों क्वेश्चन को आपको आज होमवर्क में करना है। इनको आपको कॉपी में करना है। आज की डेट डालोगे, डे लिखोगे, होमवर्क लिखोगे, देन आफ्टर चैप्टर 11, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखोगे चैप्टर का नेम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन आफ्टर थिंक एंड डू क्वेश्चन ए लिखोगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड देन आफ्टर ये तीन क्वेश्चन करोगे। गॉट इट? आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।